audio jungle. गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और होप करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। गर्मी बहुत है तो बच के रहिएगा और मैं भी बचने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मैं रेडी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मॉर्निंग है तो अभी मैं कहाँ के लिए रेडी हूँ। आज सम्राट पृथ्वीराज मूवी रिलीज़ हो रही है एक्चुअली, तो मैंने सोचा था कि फर्स्ट शो देखूँगी, तो इसलिए मैंने कल ही टिकट एडवांस में बुक करवा लिया था। तो अभी 10:30 का शो है तो बस मैं रेडी हूँ। अभी 9:30 हो रहा है तो अभी थोड़ी देर में निकलूँगी, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है गांधी मैदान। जैसा कि मैंने बताया है, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है गांधी मैदान, तो बस थोड़ी देर में निकलूँगी और मैं पूरी रेडी हूँ और देखते हैं मूवी कैसा है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि लेट से ही सही बट हमारे वीर गाथाओं की कहानियाँ हमें पर्दे पे देखने को मिल रही है और ऐसा और भी ज़्यादा होना चाहिए। तो बस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कैसा मूवी है, क्या है। मैं देखने के बाद आप लोगों को रिव्यू ज़रूर दूँगी और अगर आप लोग भी मेरी तरह अपने देश से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं तो इस मूवी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। और आप लोगों के अगल बगल जितने भी मतलब थिएटर है वहाँ पे जाके इस मूवी को देखिए, क्योंकि ये हमारे देश की वीर गाथाओं की कहानी है, तो ज़रूर इसको सपोर्ट कीजिए। तो फिर मैं निकलूँगी थोड़ी देर में। मैंने सोचा कि आज एक ब्लॉग शुरू करते हैं इसके ऊपर, तो फिर बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं कि आज का पूरा दिन कैसे बीतता है। तो तब तक मैं बस ऐसे ही कुछ काम है उसको निपटा के फिर निकलूँगी।
गुड आफ्टरनून यूट्यूब फैमिली। सॉरी सॉरी सॉरी, हमेशा की तरह कल मूवी देखने के बाद मैं थोड़ा सा बिजी हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया और मैं भूल भी गई, रात हो चुकी थी काफ़ी। तो अभी मैं ऑफिस आ चुकी हूँ और अभी दोपहर हो चुकी है और अभी मुझे टाइम मिला है शूट करने का, तो मैंने सोचा कि मैं कंटिन्यू करती हूँ। जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा कि मैंने मूवी का थोड़ा सा क्लिप डाला है और एंट्री के समय का माहौल, मेरी लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मूवी के रिलीजिंग के टाइम इतना ज़्यादा मतलब माहौल था, ऐसा लग रहा था कि जैसे उत्सव है, दिवाली मन रही थी, पटाखे छूट रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा पहली बार देखा है कि कोई मूवी रिलीज़ हुई हो और रिलीजिंग के टाइम ऐसा कुछ माहौल था। तो आप इससे तो समझ ही गए होंगे कि लोगों में कितना उत्साह है। और मैंने वैसे अंदर का कुछ शूट नहीं किया, मतलब जो पीपल्स थे, लेकिन आई थिंक 85% या 87% तो सीट बुक ही था। मतलब मॉर्निंग के टाइम का 85% सीट बुक है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि लोग कितने ज़्यादा क्रेजी थे इस मूवी के लिए। और अगर मूवी की रिव्यू की बात की जाए तो बस एक ही लाइन बोलूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ जाइए और ये मूवी देखिए, और आपको पता चलेगा कि हमारे जो योद्धा थे वो कितने वीर थे। आपको अपने हिंदू होने पे गर्व महसूस होगा। और ये जो लोग बोलते फिरते हैं ना कि मुग़ल महान थे ये वो, उनको शर्म आनी चाहिए। इस मूवी को देखो उसके बाद बोलो। हम लोग कितने दिलदार होते हैं, कितने इमोशनल होते हैं, हम लोग हमेशा दूसरों पे दया दिखाते हैं। इस मैंने इसके पहले तक कश्मीर फाइल जो मूवी देखी थी उसमें भी यही चीज़ दिखाया गया था कि एक मुसलमान को चाहे आप अपना भाई समझो, दोस्त समझो, लास्ट में वो दगा देता ही देता है। और सेम पृथ्वीराज में भी दिखाया गया है कि एक मुसलमान पे चाहे आप कितना भी दया दिखाओ वो कभी आपका नहीं हो सकता। आखिर मोहम्मद गौरी ने धोखे से पृथ्वीराज को किडनैप किया, मतलब अपहरण किया, उनकी आंखें निकाल दी, और हमारे सम्राट ने क्या किया, सिर्फ एक मौका मिलते ही उन्होंने बदला अपना पूरा ले लिया। मतलब मेरा तो दिल खुश हो गया ये मूवी देख के। तो मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के पक्ष में कुछ बोलने वाली नहीं हूँ, बस यही बोलने वाली हूँ कि आप जाइए और ये मूवी देखिए, क्योंकि देखने लायक है और ये हमारा इतिहास है और ये हमारे इतिहास की सच्चाई है। तो प्लीज़ गो एंड वॉच, ज़रूर देखिए। बस अब इस टॉपिक को यही एंड करती हूँ, तो बहुत लंबा भाषण हो जाएगा और मुझे भी आपको पता ही है मुझे भी बोलने की कितनी ज़्यादा आदत है, जब मैं शुरू होती हूँ तो पट 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 बोलती ही जाती हूँ। तो इसको मैं एंड करती हूँ और बस ऑफिस आ गई हूँ, ऑफिस का आधा काम निकल चुका है, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो अभी मैं फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा कि मैं आपको शूट करके बताऊँ कि मूवी कैसा था। कल मैंने मूवी करने के बाद थोड़ा लंच किया, देन मैं थोड़ा बिजी हो गई तो मैं शूट नहीं कर पाई। मैं रात को 10 बजे के अराउंड घर आई थी, उसके बाद इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि एक बार फ्रेशन अप होने के बाद मतलब और कुछ याद नहीं रह जाता है शूट करना वगैरह, तो उसके लिए सॉरी, मेरी परंपरा यही है, तो क्या कर सकते हैं। तो आज देखते हैं कि दिन कैसे निकलता है, होपफुली मैं ना भूलूँ और रिकॉर्ड करना जारी रखूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक लिए बने रहिए। हम बनाते नहीं है, हाँ आता है। जैसे अगर हमको पर चाहिए तो पर मालूम हो जाएगा। कितना चाहिए आपको? 8 पीस। 8 पीस।